हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा शुरू से अंत तक, ठीक है। जो भी बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ऐसा क्वेश्चन बताऊँगा जो 2025 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और आप मानसिक योग्यता वाला प्रश्न को, है ना, मेंटल एबिलिटी वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख पाएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से फॉर्म भरेंगे तो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये है टेक्स्ट बुक लेट का कोड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, कोड जो है सबका अलग अलग मिलता है, ठीक है, ताकि बच्चे एक दूसरे का देख ना सके, है ना, नकल ना कर सके, चीट नहीं कर सके। देखिए, यहाँ पर जो है ना, आपको रोल नंबर भरना है, ठीक है। हिंदी में भी आपको ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चन का, ठीक है। और यहाँ पर कैंडिडेट का, यहाँ पर देख सकते हैं, नाम भर रहिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर, मतलब अपना नाम यहाँ पर भरना है और यहाँ पर अपना सिग्नेचर भरना है, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 का रहता है, और आप लोगों का जो समय दिया जाता है वो 2 घंटा समय दिया जाता है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, हिंदी के लिए हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, इंग्लिश वाले बच्चे के लिए यहाँ पर इंग्लिश से लिखा हुआ रहेगा। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, परीक्षा का जो टाइप है वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, देख सकते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें आप लोग का सेक्शन ए में देखिए 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 क्वेश्चन में आप लोग का 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। और अर्थमेटिक मतलब अंक गणित आपका सेक्शन 2 में रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक आपका 20 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 25 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और लैंग्वेज टेस्ट मतलब आपका जो भी लैंग्वेज है, अगर हिंदी है तो सेक्शन 3 में आपको हिंदी मिलेगा, और इंग्लिश है तो इंग्लिश मिलेगा। तो 61 से लेकर 80 मतलब 20 क्वेश्चन होता है, ठीक है, 20 क्वेश्चन में आपको 25 नंबर दिया जाएगा। तो इस तरीके से टोटल जोड़ने पर 100 नंबर का आप लोग का एग्जाम होगा, जिसमें से आप लोग का क्वेश्चन कितना रहेगा, 80। 80 क्वेश्चन में आप लोग को नंबर मिलेगा 100, ठीक है। तो कैसे, तो देखिए, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 1.25 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास कितना क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन का 1.25 को मल्टीप्लाई करिएगा 80 के साथ, नंबर आ जाएगा 100, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोग का सेक्शन 1 में मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, है ना, पार्ट 1 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा, मतलब यहाँ पर जो निर्देश दिया हुआ रहता है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए बी सी डी की हैव बीन गिवेन इन ईच क्वेश्चन ऑफ दिस 4 फिगर्स, यहाँ पर 4 फिगर दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है 3 फिगर्स आर सिमिलर इन सम वे एंड 1 फिगर इज डिफरेंट, कहता है यहाँ पर जो फिगर दिया है चारों में से कोई 3 एक जैसा है, ठीक है, मिलने वाला, और कोई एक अलग है, मतलब अलग दिखने वाला है, ठीक है। तो उसी को चुनना है इसमें, ठीक है। तो देखिए कैसे चुनना है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए पहला फिगर को देखिए, ठीक है, इस फिगर में बीच में कटा हुआ है, ठीक है। और बी नंबर का फिगर में देखिए नीचे कटा हुआ है, सी नंबर का फिगर में देखिए यहाँ पर कटा हुआ है, और डी नंबर का फिगर में देखिए यहाँ पर कटा हुआ है, मतलब सब में बाहर कटा हुआ है, ठीक है, बी में भी, सी में भी और डी में भी। लेकिन फिगर ए में देखिए ये बीच में इसका कटा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये अलग हो जाएगा, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए अगला देखिए, सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है के आई टी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी के है, इसमें भी आई है, इसमें भी टी है, ठीक है, मतलब के आई और टी आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें के आई टी है, इसमें भी के आई टी है, ठीक है, इसमें भी के आई टी है, लेकिन इसमें के आई टी नहीं है, इसमें के आई सी है, ठीक है, इसलिए ये अलग है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, इस तरीके से आपको चुनना है, ठीक है, ये ऑड वन आउट फिगर है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, और इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, ये 90 डिग्री का है, ये भी देखिए 90 डिग्री का है, ये भी देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का है, सारा ट्रायंगल 90 डिग्री का है, फिगर ए, है ना, फिगर सी, फिगर डी, ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनने वाला ट्रायंगल है, त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये अलग दिख रहा है, ठीक है, तीनों से, इससे, इससे और इससे, तीनों से ये अलग दिख रहा है, ठीक है, इन तीनों त्रिभुज से ये वाला त्रिभुज अलग है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए 4 नंबर का, यहाँ पर देखिए मतलब एक पार्ट में 4 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें देखिए सर्कल से बाहर ये एरो जा रहा है, तीर बाहर निकल रहा है सर्कल से, मतलब ब्रिज से बाहर निकल रहा है, ठीक है, इसमें भी ब्रिज से बाहर ये तीर निकल रहा है, ठीक, इसमें भी देखिए ब्रिज से बाहर निकल रहा है तीर, लेकिन इसमें देखिए ब्रिज के अंदर घुस रहा है तीर, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, इसमें ब्रिज के भीतर घुस रहा है, इसमें ब्रिज के बाहर निकल रहा है तीर,
इसमें भी वृत्त से बाहर निकल रहा है, इसमें भी वृत्त से बाहर निकल रहा है, लेकिन इकल्ले ये वाला फिगर में देखिए ध्यान से, ये वृत्त के अंदर घुस रहा है, मतलब ये वाला फिगर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये सही हो जाएगा, अलग है इन तीनों चित्र से, ये वाला चित्र अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप का और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको दोनों ही मीडियम का मैं बताऊंगा, इंग्लिश भी मीडियम और हिंदी भी मीडियम। अभी मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ पार्ट वन बताया, ठीक है, मेंटल एबिलिटी का पार्ट वन बताया, ठीक है। अगर आप कमेंट करिएगा कि आपको इस टाइप का और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, तो मैं आपके लिए और भी सारा क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है, चाहे हिंदी मीडियम वाला हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाला हो, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगला वीडियो में नवोदय विद्यालय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।